नमस्कार, मैं संध्या अग्रवाल अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। संध्या संस्कृत ट्यूटोरियल में आज मैं व्याकरण के अंतर्गत संधि को विस्तार से पढ़ाऊँगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा तथा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर लाभदायक सिद्ध हो। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि जीवन में बहुत काम आती है। पढ़ते वक्त हमें शब्द लंबे लंबे शब्दों को अलग करके पढ़ना पड़ता है। जैसे हम रोटी को टुकड़ों में बांट करके खाते हैं तो वह अधिक स्वादिष्ट लगती है, ऐसे ही लंबे शब्दों को यदि हम टुकड़ों में विभक्त करके पढ़ें तो वह आसानी से समझ में आ सकते हैं। संधि जो है, दो वर्णों को जोड़ना संधि कहलाता है, दो वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि लेंगे। स्वर संधि, इसमें स्वरों को जोड़ा व अलग किया जाता है। यह पांच प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि लेते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, दीर्घ मतलब बड़े स्वर। इसमें अ, ई, ऊ, री के बाद यदि सजातीय स्वर आते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर बनता है। जैसे कि हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसको उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं और अलग अलग प्लेटों में नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, मिठाई प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी एक जैसे स्वर होते हैं। जैसे अ आ के आगे आ अ, कोई भी कैसा भी अ है होगा हमेशा दीर्घ आ। ई ई के आगे कोई सी भी ई हो बनेगी बड़ी ई। ऊ ऊ के आगे कोई सा भी ऊ हो बनेगा बड़ा ऊ। ऐसे ही री री के आगे कोई सा भी री हो बनेगी बड़ी री। इसके उदाहरण हैं जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। म के अंत में अ की आवाज़ आ रही है यानी अ स्वर जुड़ा हुआ है तो इसमें हमने अलग किया तो अ आ गया और आले में आ अलग किया तो मिलकर के बना बड़ा आ। इधर जब हमने अ निकाल दिया तो बचा हिम, उधर हमने आ निकाल दिया तो बचा लय, और जब हमने हिम में आ जोड़ा तो हिमालय बन गया। इसी प्रकार मुनींद्र, मुनि प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के बड़ी ई, और मुन में नक में यदि ई जोड़ेंगे तो मुनिंद्र बन जाएगा। तीसरा भानुदय, इसमें दोनों तरफ छोटे ऊ आ रहे हैं, मिलकर के बने हैं बड़ा ऊ बना है। भान में न में जब बड़ा ऊ जोड़ा तो भानुदय बन गया। पितृ प्लस ऋणम, इसमें री और री आ रहा है और मिलकर के बना है बड़ा री। इधर भी पित में जब हमने बड़ी री जोड़ी तो पितृणम बन गया। अब हम लेते हैं दूसरी संधि, गुण संधि। इसमें अ आ से परे यदि ई ई हो तो ए बन जाता है, अ आ से परे यदि ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है, अ आ से परे यदि री या बड़ी री हो तो अर बनता है। तो इसमें गुण संधि में तीन स्वर बनते हैं, ए ओ अर। उदाहरण नर प्लस इंद्र, नर में र में अ आ रहा है स्वर, इधर ई है तो अ और ई मिलकर के ए बनेगा और छोटी ए की हमेशा एक ही मात्रा होती है। अब र जो है उसमें हम ए को जोड़ेंगे तो नरेंद्र बनेगा। दूसरा हित प्लस उपदेश, हित में अ आ रहा है, उपदेश में ऊ आ रहा है, मिलकर के अ और ऊ मिलकर के ओ बना। हित में जो त है उसमें यदि हमने ओ जोड़ा तो हितोपदेश बन गया, तो ये ओ का उदाहरण हो गया। अब देखिए तीसरा उदाहरण, ग्रीष्म प्लस ऋतु, इसमें म में अ आ रहा है, ऋतु में री आ रहा है, मिलकर के अ और री अर बनेगा, और जब हम ग्रीष्म के म में अर जोड़ेंगे तो ये इस तरीके से ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा, जो ये आधा र है ये ऊपर चढ़ जाएगा और म पूरा हो गया। अब आइए
संधि स्वर संधि का तीसरा भाग वृद्धि संधि। जब अ आ से परे ए ऐ या ओ औ हो तो हमेशा क्रमशः आई बड़ी आई और बड़ा औ होता है। जैसे आप देखिए चार्ट में अ आ के आगे कोई सी भी ए हो हमेशा बड़ी ए, और बड़ी ए की दो मात्रा होती है। पहले मैंने बताया था छोटी ए की एक मात्रा होती है, वो गुण संधि में प्रयोग में आती है। बड़ी ए की दो मात्रा होती है। अ आ के बाद ओ औ हो तो बड़ा औ बनता है, इस तरह से डंडा लगेगा और दो मात्रा। सदा प्लस ए, सदा में आ रहा है इधर ए आ रहा है, मिल करके आई बना, और द में हम आई मिलाएंगे तो सदैव बन जाएगा। महा प्लस औषधम, आ रहा है इधर और इधर औ आ रहा है, मिल करके बनेगा बड़ा औ, और जब औ को ह में जोड़ेंगे तो महौषधम बनेगा। अब आइए संधि का चौथा भाग यण संधि। ई उ और री से परे असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे कि चार्ट में देखिए आप, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसका य बनेगा, और जो स्वर आ रहा है उसकी मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो व बनेगा, हलंत वाले हैं सारे। जब इसमें जो स्वर यहाँ आ रहा है उसकी मात्रा लगेगी तो उसके अनुसार ये बन जाएंगे। री री के आगे भी कोई भी असमान स्वर आए तो हलंत वाला र बनेगा, और ये जो स्वर है इसकी मात्रा इसमें प्रयोग में आएगी। जैसे अभी हम उदाहरण से समझते हैं, यण संधि में थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे प्रति प्लस एक, इधर ई है और इधर आगे ए है। असमान स्वर का मतलब होता है ऐसा स्वर नहीं होना चाहिए, ई के आगे ई नहीं आना चाहिए और कोई सा भी स्वर आए, तो ई के आगे ए आया तो य बन गया। अब य में हमने मात्रा कौन सी लगाई, जो ए वाली है यहाँ पे, तो य हलंत वाला क्या बन गया, ये बन गया। और त में जब ये जोड़ा तो प्रत्येक, ये समझने वाली बात है जरा सी। दूसरा स्वर जो हमारा उदाहरण है, सु प्लस आगतम, सु में उ है और इधर आ है, मिलकर के बनेगा व, क्योंकि यहाँ पर आ स्वर है इसलिए व में यदि आ जोड़ेंगे तो वा बनेगा, और जब हम स में वा जोड़ेंगे तो स्वागतम बनेगा, क्योंकि ये स आधा है, ये वा यहाँ पे आई गया और गतम आई गया। तो ये आपका उ का उदाहरण हो गया। अब देखिए तीसरा उदाहरण है मातृ प्लस अनुमति। री है इधर, इधर अ है, तो री का र बनता है, लेकिन इसमें अ है तो ये अ मिलकर के पूरा र बनेगा, क्योंकि ये स्वर इसमें मिलाया जाता है। तो त में जब र जुड़ा तो मातृ अनुमति बनेगा, क्योंकि त और र मिलकर के त्र संयुक्त अक्षर बनता है। अब आइए इसमें अंतिम संधि है अयादि संधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अयादि मतलब अय आय अव आव आदि। इसमें आप देखिए आई के आगे कोई भी स्वर हो तो अय बनता है, और बड़ी ए के आगे कोई भी स्वर हो तो आय, ओ के आगे कोई भी स्वर हो तो अव, और औ के आगे कोई भी स्वर हो तो आव बनता है। यानी कि ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव बनता है। जैसे उदाहरण ने प्लस अनम, ने में एक ही मात्रा है अ है, तो अब मिलकर के अय बना, और क्योंकि यहाँ पर ये स्वर अ है तो इसमें मिला और ये पूरा अय हो गया। ये स्वर यहाँ मात्रा लगा करके फिर बनता है। अब हमने अय को न में मिलाया तो नयनम बन गया। फिर दूसरा उदाहरण नई प्लस अकह, इसमें आई आ रही है बड़ी और अ आ रहा है, मिलकर के आय बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अ स्वर है तो य में मिल गया, ये आय पूरा बना, और इस आय को न में मिलाया तो नायकह। भो प्लस अति, अब ओ का उदाहरण लीजिए, ओ प्लस अ मिलकर के अव बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे अ स्वर है तो ये व पूरा हो जाएगा अव, और इसको भ में मिलाएंगे तो भवती बनेगा। अब लीजिए बड़े ओ का उदाहरण औ का, पऊ प्लस अकह, पऊ में औ आ रहा है, अकह में अ आ रहा है, मिलकर के बनेगा आव, क्योंकि यहाँ पे अ स्वर है इसमें मिला दिया तो आव बन गया, और प में आव मिलाया तो पाव कह। तो बच्चों इसी तरह से ये पूरा हमारा स्वर संधि का अध्याय पूरा हुआ। अब मैं आपको अभ्यास के लिए दो संधि विच्छेद करने के लिए और बाकी आठ आपको संधि करने के लिए उदाहरण दे रही हूँ।
प्रधान प्लस आचार्य, गुरु प्लस उपदेश, यथा प्लस उचितम, तवैश्वर्यम, गायक, विद्यार्थी, पूर्ण प्लस इंदु, देवी प्लस इदम, रौ प्लस अण, देव प्लस ऋषि। इनको करने के बाद यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो कृपया मुझे लाइक करिए, जिससे मैं और भी अच्छे आगे अध्याय तैयार कर सकूँ।